सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 114/23 जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसमें फरार आरोपिता जैनब फातिमा जो घटना के दिन से ही बादस्तूर फरार है, स्पेशल कोर्ट SC/ST माननीय न्यायालय प्रयागराज के आदेश से आज 83 की कार्रवाई में अमल में लाई जा रही है, जिससे इनके चल अचल संपत्तियों को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद अगर कोई भी व्यक्ति इस घर में अनधिकृत प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। आज ये 83 की कार्रवाई CRPC की जैनब फातिमा के विरुद्ध करी गई है। ये सल्लापुर में स्थित इसके मकान की, ये उमेश पाल हत्याकांड में हमारी अभियुक्त है और अभी फरार चल रही है। तो हमने माननीय न्यायालय से इसकी 83 का आदेश प्राप्त किया था, उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई करी गई है। ये वक्त की ज़मीन है क्या? हाँ, ये भी एक प्रकाश में आया है जिसकी अभी पुष्टि हम कर देंगे। फिलहाल ये तथ्य आए थे कि ये वक्फ की ज़मीन है जिस पर इन्होंने कब्जा किया था। कितना एरिया होगा सर? ये एरिया आप देख रहे हैं सारा का सारा वक्फ का ही है और करीब बड़े स्तर पर इन्होंने ये कब्जा कर रखा था। उस पर भी एक अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है पुरामुफ्ती थाने में। जैनब पर सर कितने मुकदमे दर्ज हैं? जैनब पर करीब 3 से 4 मुकदमे अभी दर्ज हैं फिलहाल। ये इनका मायका है या इनका अपना निवास स्थान था जैनब पर? निवास स्थान उनका मायका तो हटवा है, यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनवाई थी, इसी में रह रहे थे फिलहाल।